वेलकम टू अवर चैनल। हम बात करने वाले हैं KNR Constructions के बारे में, जो कि करेंटली हम डेली चार्ट पर हैं और हमारे ही मेंबर ने रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको भी एनालिसिस चाहिए, स्टॉक का नाम आप कमेंट कर सकते हो। ये अगर आप देखोगे, मैंने पोजीशन आपको लगा कर दिया था, लेकिन एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पर बाइंग नहीं, सेलिंग सजेस्ट किया था। मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था कि ये वाला जो ब्रेकडाउन आ रहा है, ये कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जैसा इसका मोमेंटम है, ये हो सकता है शार्प फॉल ना करे, आपको इसी टाइप से वोलेटाइल करके फॉल करता हुआ दिखाई दे। किसी को अगर बाय करना है बहुत फोर्सफुली कि नहीं इसी स्टॉक को बाय करना है, तो ट्राई करिएगा इस रेंज के ऊपर बाय करने के लिए। यहाँ पर अगर आप इसके ऊपर कंफर्मेशन देता है तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। बाकी मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक नेगेटिव है, तो आने वाले टाइम में ये फॉल कर सकता है। फिलहाल अगर हम देखें, सेम मोमेंटम इसका दिख रहा है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सेलिंग आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो तो ये फॉल करता जा रहा है। अभी मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ, मेन टारगेट जो है वो 300 के आसपास का लेवल है, जो कि ऑलमोस्ट ये कंप्लीट करके गया है 305 के आसपास, लेकिन फिर भी 290 से 300 का लेवल अभी इसका मेन सपोर्ट बन सकता है, और इसके नीचे आएगा तो करीब हम 260 के लेवल तक भी आ सकते हैं। मेरा व्यू अभी भी इसमें सेम है सेलिंग के लिए, ये स्टॉक अभी भी सेलिंग साइड पर है, बाइंग इसमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे इसने ये वाला मोमेंटम दिया है ना, यहाँ पर ये जो इसने मोमेंटम किया है, इसके बाद डायरेक्टली यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर देखिए, इसको जाना था सेलिंग के लिए, बाइंग के लिए, तो ये वाला मोमेंटम था, एक बार बाइंग आ गया, फिर सेलिंग आ गया, फिर सेकंड टाइम बाइंग आ गया, फिर यहाँ पर थर्ड टाइम बाइंग आ गया, हर बार अपने हाई को ब्रेक कर रहा है, लेकिन फिर मोमेंटम नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं सेलर्स स्ट्रांग है और बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है स्टॉक में, इसीलिए इस टाइप का मोमेंटम आपको दिख रहा है। तो जब पहले ही ये इंटरेस्टेड नहीं है इस लेवल पर, तो सडनली एक दिन में या दो दिन में कुछ चेंज नहीं होता है वहां पे, ठीक है। तो स्टॉक अभी भी फॉल कर सकता है। प्रीवियस टाइम के मोमेंटम की बात करें तो आप ये देख सकते हो, इसका करीब 2 साल से एक ही रेंज में ट्रेड करना, ये वाला लेवल, ये रेंज इसका बना हुआ था, अभी इसने ब्रेकआउट दे दिया है इसका। तो अगर आप देखोगे, ये सेम रेंज अगर आप यहां पर लगा लोगे इसके टॉप्स के ऊपर, तो ये 5-10% का रेंज बनाकर अभी यहां पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो स्टॉक अभी भी रेंज में है और आने वाले टाइम में और करेक्ट कर सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, जो कि करीब 280 से लेकर 300 का रेंज है। यहां पर स्टॉक सपोर्ट लेकर फिर अगर बाउंस करना स्टार्ट करेगा, तो हो सकता है कि आने वाले 1 महीने या 2 महीने के बाद आपको फिर वहां से बाइंग देखने के लिए मिल जाए। तो फिलहाल अभी के लिए बाइंग नहीं है स्टॉक में, स्टॉक फिलहाल साइडवेज जोन में है, आप एक तरीके से कह सकते हो। आप अगर एक रेंज मार्क करना चाहें तो आप एक यहाँ पर रेंज लगा सकते हैं इस टाइप का, क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम आपको दिया था तब ये वाला लेवल था, तो कोई रेंज वहां पर बना हुआ नहीं था उस टाइप का। लेकिन अब अगर आप देखो तो एक परफेक्ट रेंज इसने बना लिया है, ठीक है। ये तो इसी के टॉप से बॉटम, बॉटम से टॉप ये होता रहेगा, और अभी आने वाले टाइम में जब ये यहाँ पर जाएगा, फिर आपको करेक्शन देखने के लिए मिल जाए, तो हो सकता है आपको 380 से लेकर 290 का भी लेवल देखने के लिए मिले। तो जब तक एक प्रॉपर डेली चार्ट में रिवर्सल ना दे, तब तक के लिए वेट करिए, तो आने वाले टाइम में आपको फिर बाइंग देखने के लिए मिलेगा। अगर इस टाइप का कुछ ब्रेकआउट मिलता है, तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट के ऊपर हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और बाकी जब तक सेलिंग के लिए चल रहा है तब तक वेट करिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके आप रख सकते हो। बाकी ऐसे किसी भी स्टॉक पर आपको एनालिसिस चाहिए, स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन चैनल के अबाउट बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।